तुम कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, यहाँ जो ना आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं मैं और हानी, क्योंकि आपको पता है मेरा सैलून है, पूरे रमज़ान में थोड़ा बिजी बिजी रही उसके बाद फिर। और आप ये देखिए हानी का फैशन, हानी दिखाओ। मैंने ना ईद पे हानी के बाल जो हैं पिंक किए थे, और दो दफ़ा तीन दफ़ा वॉश करने के बाद देखें इसका कलर ऐसा हो गया है। अब मैंने हानी को कहा था हानी सिर्फ थोड़े दिन के लिए मेहंदी भी देख लीजिए भाई, दिखाओ मेहंदी आप अपनी। ये देखो, ये मैंने इनके ईद वाले दिन सुबह लगाई, ये किसी से लगवाते ही नहीं है, यहाँ नहीं लगवाई इन्होंने। और बताओ कैसे लगवाई मम्मी से फिर ईद वाले दिन? ये वाली लालटेन थी, गुलाबी ये वाली लालटेन था। दूर से दिखाओ ना, आप इतना करीब आ रही हो तो दिख कोई ना, वहीं से दिखाओ। कोई बात नहीं, फिर भी मम्मी ने अच्छी तो लगा दी। मैं काफी टाइम पे हाँ, और आज हम लोग जा रहे हैं आउटिंग पे, तो कहाँ जा रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। बहरिया टाउन, हाँ नहीं से मैंने पूछ। अच्छा हाँ, जहाँ हम 14 अगस्त है ना उसका व्लॉग हमने बनाया था। मैं हानी से गई थी, हम कहीं ना कहीं जाते हैं ईद के चौथे दिन ना, तो मैंने कहा हानी ही डिसाइड करेंगी कहाँ जाना है, तो हानी ने कहा मम्मी बहरिया टाउन जाना है, मैं कहा चलो बहरिया टाउन चलेंगे। और साथ ही आपको पता है हिबा आपी भी, वो हिबा आपी तो मस्त है, आप ही साथ जाती है ना। चले हम निकलते हैं, हानी चलो रखो, इसकी शटल है खरीदना पड़ेगी। चलो सही है, सामने से खरीदेंगे। शू पहनो जल्दी से बेटा, देर हो रही है ना। बैरिया में सिस्टर रहती है, तो सिस्टर के घर जा रहे थे। साथ ही हानी ने कहा मम्मी मैंने वहाँ प्लेइंग भी करना है, तो अपना रैकेट और ये सब चीज़ें लेके जा रही थी। मज़ा आता है वहाँ, इंजॉय करते हैं बच्चे पार्क में खूब। तो बस फिर हम निकलते ही पहले लेट हो गए थे, हानी को डांसो जाना था, तो मैंने कहा ठीक है हानी दिन दिन में डांसो चलेंगे, जल्दी निकलेंगे। लेकिन हानी की टीचर जो थी वो लेट थोड़ा पढ़ाने के लिए आए, हमने उनको कहा था जल्दी आ जाएं, बट वो लेट हो गई थी। और फिर वो पढ़ा के हानी को 5 बजे गई हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग जल्दी से रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम निकले, तो टाइम भी काफ़ी लगता है हमारे घर से यहाँ की ड्राइव तकरीबन 1 घंटे की होगी, 1 घंटा या आधा घंटे की ऐसी ड्राइव होगी। तो बस वहाँ जाना था, तो सबसे पहले हानी जो थी ना, हानी ये देखो कहाँ गए पहले, हानी का एफिल टावर बहुत अच्छा लगता है। तो हानी और हेबा जो है ना वहाँ एफिल टावर पर बहुत ही इंजॉय किया, इन्होंने वहाँ खेल रही थी, बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। अच्छा यहाँ कहने की मम्मी अंधेरा होने लग गया था, यानी मकरीब हो गई थी जब हम वहाँ पहुँचे थे ना, बट ये था इन लोगों ने बहुत इंजॉय कर लिया था। और आप देखो यहाँ पर इनकी रेस लग रही थी, है ना, कौन विनर हुआ था ये बताओ? नहीं जी, नहीं नहीं, हिबा आप ही मेरे ख्याल से जीती हैं, बल्कि ना आप पहले आपने पहले ही अपना टर्न ले लिया था, हिबा आप पीछे खड़ी रह गई थी, और आप जल्दी से तेजी से भाग के तो और उसे शुरू ही नहीं था। हाँ ये है, हिबा ने शुरू ही नहीं किया था, फिर यहाँ खेल रही थी, इंजॉय कर रही थी पार्क के अंदर। मैंने कहा चलें, फिर बस हम लोग ने फिर हमने क्या किया हानी, नहीं फिर हम कज़िन के घर चले गए थे, ये एच ब्लॉक में, उसका एच ब्लॉक में था, तो 14 में 13 में था, हम बिल्कुल उसके नीचे ही था, तो ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें चली गई जी। बस ये लोग यहाँ खेलते रहे, फिर उसके बाद थोड़ा सा भूखा लगा, तो वहीं पे हम KFC चले गए थे। KFC से हमने फिर खाया, और हानी ने क्या खाया और हिबा ने क्या खाया? हाइन की मील मैंने खाई। चिकी मील क्यों ली थी पहले ये तो बताओ, क्योंकि इसमें टॉय निकलता और इतना बुरा टॉय निकला था, हानी के पास इतने सारे पॉपिट हैं फिर भी हानी को बस पॉपिट चाहिए। अब यहाँ जो था हम अपने घर के लिए रवा दवा हो गए थे, घर की तैयारी कर ली थी, काफ़ी टाइम हो गया था, रात 12:30 बज गए थे। यहीं पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हानी अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है ना अब हमने अपने चैनल पर, हाँ डेली की, क्योंकि हमने काफ़ी दिन हो गए वीडियोस नहीं बनाई है ना, अब इंशाल्लाह हम बनाएंगे अपनी वीडियोस। हानी के थोड़े पेपर्स ख़त्म हो जाए, हानी फाइनल पेपर कब ख़त्म हो रहे हैं? 18 को हानी का लास्ट पेपर है, तो इंशाल्लाह फिर आपको वीडियोस डेली मिलेंगी, और ज़रूर हमारी वीडियो को देखिएगा। मिलेंगे ना जनवरी और